hello friends how are you hope you all are well let's start the subject maths of standard 7 for the revision of s1 exam uh, let's start from the uh, page number 21 exercise 1.3 find each of the following products products that means multiplication so dear students uh, क्वीकली रिवाइज द रूल फॉर दैट ओके जो ऊपर लिखा है माइनस माइनस ओके अगर दो नंबर है दोनों की साइन माइनस माइनस है तो उसका आंसर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा प्लस में प्लस 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 होगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस तो भी माइनस हो जाएगा ओके okay, तो ये रूल हमें याद रखने तो बहुत ही ईजी वे में हम ये मल्टीप्लीकेशन कर पाएंगे ओके okay, तो फर्स्ट वन ए है थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन तो थ्री की साइन है प्लस एंड माइनस वन ओके तो प्लस माइनस आंसर आ जाएगा माइनस में तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लीकेशन कर लेना है थ्री वन जी एंड उसके बाद साइन यूज करनी है तो बहुत ही ईजी वे में कर पाओगे बी माइनस वन मल्टीप्लाई टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो टू ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई वन तो आंसर टू ट्वेंटी फाइव आएगा अब साइन साइन कौन सी आएगी माइनस है एंड फिर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस ही होगा ओके ओके okay, आप यहाँ पे एक दूसरा ट्रिक से याद रख सकते हो ये रूल कि अगर डिफरेंट साइन है डिफरेंट साइन है तो आंसर माइनस में आएगा और सेम साइन है तो प्लस में आएगा आप देख सकते हो माइनस प्लस या प्लस माइनस डिफरेंट साइन है तो आंसर आएगा माइनस में एंड अगर सेम साइन है माइनस माइनस या प्लस प्लस तो आंसर उसका हो जाएगा प्लस में ओके थर्ड ट्वें माइनस ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई थर्टी तो तो पे जीरो है मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नाउ डी वन तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो कोई भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही मिलेगा तो थ्री हंड्रेड सिक्सटीन और दोनों की साइन माइनस है ओके? तो सेम साइन है तो आंसर आएगा प्लस में तो आंसर है प्लस थ्री हंड्रेड तो अब इसी तरह बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं ओके? Okay? अगर तीन नंबर है तो कंफ्यूज नहीं होना है सेम ही रूल हमें फॉलो करेंगे ओके फॉर एग्जाम्पल एफ है माइनस ट्वेल्व मल्टीप्लाई माइनस इलेवन मल्टीप्लाई टेन तो टू टाइम माइनस है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड फिर प्लस है और दूसरा रूल इस तरह से भी आप याद रख सकते हो कि माइनस की साइन अगर नंबर में है यानी वन टाइम थ्री टाइम फाइव टाइम सेवन टाइम माइनस की साइन कोई भी मल्टीप्लीकेशन में तो आंसर ऑलवेज माइनस में आएगा एंड माइनस की साइन अगर इवन नंबर में टू फोर सिक्स एट तो उसका आंसर हो जाएगा प्लस तो यह भी आपको याद रखना है तो इजी वे में कर पाओगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर सेवन

एंड अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो जीरो मार्क्स तो सबसे पहले है मोहन गेट्स फोर करेक्ट सिक्स इन करेक्ट आंसर वट इज ही स्कोर तो हम क्या करेंगे सबसे पहले मोहन का लिखा है फोर करेक्ट आंसर दैट मीन्स वन करेक्ट आंसर के फाइव मार्क्स है तो फोर करेक्ट क्या हो जाएगा फोर फाइव जा ट्वेंटी मार्क्स एंड सिक्स इन करेक्ट तो सिक्स टू जा ट्वेल्व जो माइनस होंगे तो ट्वेंटी माइनस

क्वेश्चन को समझना है सो यू कैन गिव द आंसर इजीली नेक्स्ट एक्सरसाइज वन पॉइंट फोर इवे लेट ईच ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे डिवीजन में रूल जो मल्टीप्लिकेशन के थे वही फॉलो होंगे दैट मींस अगर डिवीजन में कोई वन नंबर माइनस है तो उसका आंसर माइनस में होगा एंड अगर दोनों नंबर माइनस है तो आंसर प्लस हो जाएगा दैट मीन्स वहां पे जो था डिफरेंट साइन तो माइनस एंड सेम साइन तो आंसर जो मिलेगा वो प्लस की साइन में तो फर्स्ट वन है माइनस थर्टी डिवाइड बाय टेन तो सबसे पहले आपको माइनस की साइन भूल जानी है थर्टी डिवाइड टेन करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा थ्री नाउ चेक फॉर दी साइन माइनस थर्टी एंड टेन है वो प्लस है दैट मीन्स माइनस प्लस माइनस तो आंसर आएगा माइनस थ्री बी वन फिफ्टी डिवाइड बाई माइनस फाइव तो अभी जस्ट डिवीजन सिंपल करते हैं फिफ्टी डिवाइड फाइव तो हमें आंसर क्या मिलेगा टेन नाउ गो फॉर दी साइन अगेन फिफ्टी है वो प्लस है एंड फाइव है वो माइनस है दैट मीन्स एक प्लस एंड एक माइनस तो प्लस माइनस माइनस ही होगा तो आंसर होगा माइनस टेन सी माइनस थर्टी सिक्स डिवाइड बाई माइनस नाइन ओके okay, तो जस्ट सिंपली डिवाइड करो थर्टी सिक्स डिवाइड 9 नाइन तो आंसर क्या मिलेगा नाइन फोर जा थर्टी सिक्स ओके तो आंसर फोर मिला अब नाउ गो फॉर दी साइन दोनों की माइनस साइन है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस तो आंसर आएगा प्लस फोर ओके इसी तरह हमें ये सॉल्व करना है थोड़ा डिफरेंट है वो क्वेश्चन ई थर्टीन डिवाइड बाय ब्रैकेट में माइनस टू प्लस वन तो डी स्टूडेंट्स हमने बोर्ड मास का रूल सीखा हुआ है तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट है वो ओपन करेंगे तो माइनस टू प्लस वन क्या हो जाएगा डिवाइड so, पहले वन कर दो तो आंसर मिलेगा थर्टीन एंड फिर प्लस एंड माइनस तो प्लस माइनस माइनस तो आंसर मिलेगा माइनस थर्टीन ओके तो इसी तरह हमें ये सब क्वेश्चन सोल्व करने हैं जस्ट फॉलो द रूल सो यू कैन डू इट वेरी इजीली क्वेश्चन नंबर थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत इजी है स्टूडेंट्स फर्स्ट वन थ्री सिक्सटी नाइन डिवाइड बाई डेक्वल्स टू थ्री सिक्सटी नाइन डीए स्टूडेंट कौन से नंबर को हम थ्री सिक्सटी नाइन से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें सेम मिलेगा थ्री सिक्सटी नाइन तो ऑब्वियसली नंबर वन होगा वन को कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर वो सेम ही मिलेगा एन वन को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें आंसर सेम मिलेगा बी माइनस सेवनटी फाइव डिवाइड बाई डेक्वल्स टू माइनस वन ओके तो सबसे पहले माइनस वन की जगह सिर्फ वन समझ लो है तो क्या होगा सेवन को किस से डिवाइड करेंगे सेवनटी फाइव से तभी हमें वन मिलेगा लेकिन आंसर माइनस वन है तो माइनस की एक बार साइन आ गई है माइनस सेवेंटी फाइव तो अभी ये ब्लैंक में सेवेंटी फाइव आएगा वो प्लस होगा तभी माइनस प्लस माइनस वन आंसर मिलेगा सी माइनस टू जीरो सिक्स डिवाइड बाय डे इक्वल्स टू वन ओके यहां पे माइनस टू जीरो सिक्स है डिवाइड बाय किस करेंगे तो हमें प्लस वन मिलेगा माइनस टू जीरो सिक्स से ओके डी माइनस एटी सेवन डिवाइड डैस इक्वल्स टू प्लस एटी सेवन तो माइनस एटी सेवन है उसको किस से डिवाइड करेंगे तो प्लस एटी सेवन मिलेगा माइनस वन से क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो डी स्टूडेंट इस इस तरह से हमें ये सम करने हैं बहुत ही इजी है यू कैन डू इट इजीली ओके जस्ट यू हैव टू डू दी प्रैक्टिस फॉर दैट ओके थैंक यू